हेलो, हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। तो एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट फाइलम है, सबसे प्रिमिटिव फाइलम, फर्स्ट ग्रुप जो है, इसका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को पॉरीफेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी में पोर्स या छेद प्रेजेंट होते हैं। इसको कॉमनली स्पंजेस भी कहा जाता है। अगर हम इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो ये समुद्री होते हैं, मेरीन, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। इकलौते ऐसे एनिमल होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है। कॉमन एग्जाम्पल साइकॉन, स्पंजिला एंड यू स्पंजिला। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें टिश्यूज़ डेवलप नहीं होती है। हर सेल अपना खुद का काम करता है, हर सेल खुद ऑक्सीजन लेके रिस्पायर करता है और खुद अपना फूड पार्टिकल लेकर डाइजेस्ट करता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अलावा इनके पास कुछ खास सिस्टम्स होते हैं जिन्हें वाटर कैनाल सिस्टम्स कहते हैं, और कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें क्वानोसाइट्स कहते हैं। इनका इंटरनल स्केलेटन स्पिक्यूल और स्पंजिन से बनता है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर इनसाइड द सेल होती है। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पॉरीफेरा हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। एग्स एंड स्पर्म पानी में स्विम करके दूसरे स्पंज के अंदर जाकर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, राइट? और ये एक लार्वा भी प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ फ्री स्विमिंग। क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन में एक लार्वा है तो इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। स्पंजेस असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड गेम्यूल्स, विच इज़ ऑल्सो अ स्पेशल मास ऑफ सेल्स। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉरीफेरा। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में बहुत छोटे छोटे छेद हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, राइट? और एक बहुत बड़ा सा छेद भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्क्यूलम, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉरीफेरा। नाउ अगर हम एक जनरल बॉडी प्लान के बारे में बात करें तो पॉरीफेरा की बॉडी में छोटे छेद ऑस्टिया होते हैं जहाँ से वाटर एंटर करता है एक सेंट्रल कैविटी में जिसे स्पंजोसील कहते हैं। इस स्पंजोसील से पानी बाहर निकल जाता है एक और होल से जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, राइट? तो पॉरीफेरा की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तीन तरह का होता है। वन इज़ कॉल्ड द एस्कॉन, विच इज़ द सिंपलेस्ट टाइप। पानी ऑस्टिया से जाएगा, एक ट्यूब से बाहर निकल कर स्पंजोसील से होते हुए ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड साइकॉन, जहाँ पर ऑस्टिया के बाद थोड़ा सा ब्रांचिंग होती है और उसके बाद ये सेंट्रल कैविटी यानी स्पंजोसील में जाता है और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड द ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन में ब्रांचिंग बहुत एक्सटेंसिव होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी एंटर करके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर फाइनली स्पंजोसील से होते हुए ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम्स, जहाँ पे वाटर मूव करता है थ्रू सीरीज ऑफ कैनाल्स। आप देख सकते हैं सेंट्रल कैविटी को हम स्पंजोसील बोलते हैं और ऑस्टिया से पानी इस कैनाल के थ्रू बाहर निकलता है। वाटर के मूवमेंट में कुछ खास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्वानोसाइट्स कहते हैं। इनमें कॉलर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्वानोसाइट। और एक फ्लैजेला होता है जो वाटर में करंट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। स्पंजेस के अंदर कैल्शियम से बने हुए कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्केलेटन कहते हैं। इनको स्पंजन स्केलेटन भी कह सकते हैं या स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के भी बने हो सकते हैं। सो दे प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट। दीज आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जिन्हें हम क्वानोसाइट्स कहते हैं या कॉलर सेल्स कहते हैं। ये अपनी फ्लैजेलास के थ्रू एक वाटर करंट को मेंटेन करते हैं और जितना भी फूड पार्टिकल है वो इस कॉलर के थ्रू क्वानोसाइट की बॉडी के अंदर चला जाता है और इससे अंदर के सेल्स में चला जाता है जहाँ पर खाने को डाइजेस्ट किया जा सकता है। अब देख सकते हैं फूड पार्टिकल वाटर करंट के थ्रू पहले क्वानोसाइट में जाएगा और क्वानोसाइट से फिर अंदर के सेल्स की तरफ मूव करता है। इट हेल्प्स टू कैप्चर फूड। रिप्रोडक्शन के लिए पॉरीफेरा में एक जाइगोट होता है जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर ये एक लार्वा प्रोड्यूस करता है जिसे एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लैजेला जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दिस एम्फी ब्लास्टुला इज मोटाइल, ये मूव कर सकता है। फिर ये एक जगह में बैठ जाता है और नॉन मोटाइल हो जाता है एंड देन इट फॉर्म्स अ स्पंज। सो दिस इज़ हाउ द स्पंजेस रिप्रोड्यूस, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि स्पंज बहुत सारे एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज कर रहा है। स्पंजेस हर्मेफ्रोडाइट हैं, ये एग्स और स्पर्म्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं
और ये पानी में रिलीज करते हैं थ्रू ऑस्क्यूलम, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक स्पंज के जो स्पर्म्स हैं वो किसी दूसरे स्पंज की बॉडी में जाते हैं और वहाँ पे ये एग को फर्टिलाइज करते हैं और एग से फिर लार्वा बनेगा और ये लार्वा फिर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल कर वाटर में स्विम करके किसी एक जगह पर बैठ कर एक नया पोरिफेरा डेवलप करेगा। दिस इज़ द एम्फीब्लास्टुला, जो इसका लार्वा है, मोटाइल लार्वा। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पॉरीफेरा में इस तरह से बड फॉर्मेशन हो सकती है जो कंप्लीट डॉटर इंडिविजुअल को बनाकर सेपरेट हो सकती है। उसके अलावा पॉरीफेरा में कुछ इस तरह के खास सेल्स भी होते हैं जिन्हें गेम्यूल्स कहा जाता है। इनके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और सेंटर में रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम आर्कियोसाइट बोलते हैं। ये भी पानी में स्विम करके किसी जगह पर जाकर सेटल होके एक नया स्पंज डेवलप कर सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल स्पंजिला, यू स्पंजिया एंड साइकॉन। ये ग्लास ग्लास पॉरीफेरा है और ये बहुत लकी माना जाता है। इट इज़ गिवन एज ए गिफ्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।